तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल पे। तो गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हमें सूट जो है बताओ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो गाइस मैं बता दूँ, टोटल 6 सूट हैं गेम में और 6 के 6 बहुत ही अच्छे सूट से। पर सबसे ज़्यादा जो अगर हम लोग बताया जाए कौन सा सूट आपको फॉलो करना चाहिए, तो बस 3 ही ऐसे सूट हैं जो बहुत ही ईजी उनके पोकेमोन मिल जाते हैं वर्ल्ड में और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूट है। सबसे पहले जो रैंक 1 पे आता है वो है हार्ड सूट। तो गाइस, अगर आप बोलोगे कि हार्ड सूट में ऐसा क्या खास है, तो आप नोटिस नहीं किए होंगे शायद कि कई सारे जो VIP 15 प्लेयर्स हैं उन लोगों ने अपना सूट ऑल ऑफ ए सडन चेंज कर लिया है हार्ड सूट पर। तो मैं बता दूँ, जब मैं पहली बार SET2 में था तो इतने ज़्यादा हार्ड सूट प्लेयर नहीं थे जितने अब हैं। तो पहले कोई हार्ड सूट फॉलो नहीं करता था, पर अब एक नया ट्रेंड चल रहा है जब हार्ड सूट हर किसी को चाहिए। तो आपके ऊपर आप कौन सा सूट लोगे? पहला तो हार्ड सूट मैंने बताया, दूसरा है डार्क सूट वाटर डार्क एंड आइस, तीसरा जो है वो है फायर सूट फायर इलेक्ट्रिक ड्रैगन। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूट डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा जो सूट है अभी हार्ड सूट है, पर मैं 2 सूट फॉलो करता हूँ। ये देखिए मेरा सेकेंड सूट जो है घोस्ट सूट। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैं घोस्ट सूट भी फॉलो करता हूँ और ये मुझे आज मेरा मिल गया आखिरी 4-स्टार वाला सूट। तो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था और मुझे मिल गया, तो मेरा जो घोस्ट सूट है कम्प्लीट हो चुका है। बाकी बस मुझे चाहिए लेवल 5 के सूट। तो अगर आप पूछोगे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले फॉलो करता था घोस्ट सूट, फिर पहले एक्चुअली मैं हार्ड सूट घोस्ट सूट दोनों एक साथ ही फॉलो करता था, पर मैं दोनों को फॉलो करता था क्योंकि 2 सूट मेरे को अवेलेबल हैं VIP लेवल्स की वजह से। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ सूट के डिफरेंसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले जो मेरा 19K एग्रोन था वो गया 13K, और जो मेगा जो दूसरा जो माकुरीटा था जो हमारा था पहले 11K, अब वो हो चुका है 17K। ताकि कोई भी आप पोकेमोन देख लो जो घोस्ट सूट को फॉलो माने आता है उसके नीचे अंडर आता है घोस्ट सूट के, तो वो सारे पोकेमोन्स के पावर बढ़ चुके हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि सूट कितना इंपॉर्टेंट है। जो एग्रोन पहले 19K था अब वो हो गया 13K, और जो अभी 13K अगर मैं हार्ड सूट पर क्लिक करूँ वो फिर से 19K हो जाएगा। तो गाइस, सूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करनी है कि आपके 6 के 6 जो सूट्स हैं जो पार्ट्स हैं वो सारे एक ही टाइप के हों। तो अगर एक टाइप के होंगे तो आपके सारे पोकेमोन्स को एक बराबर पावर मिलेगा और किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगा, तो सारे के पावर एक जैसा ही होगा। और एडवांटेज आपके पास ये होगा कि आपके सारे जो पोकेमोन्स का अगर पावर सेम रहेगा तो आप थोड़े स्ट्रॉन्ग रहोगे कंपेयर टू जो वो हैं जो अपने टीम में सारे पोकेमोन्स मिला देते हैं और सूट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो गाइस, एक बात, एक कहावत है पोके टाउन में आपको याद रखनी होगी, नेवर हैव सूट अकॉर्डिंग टू योर पोकेमोन्स, है पोकेमोन अकॉर्डिंग टू योर सूट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको गेम में टिके रहना और अच्छा परफॉर्म करना है या फिर अच्छा कंपटीशन देना है अपने ओपोनेंट को, तो आप कर सकते हो। तो गाइस, सूट कहाँ से मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। 2P इंस्टेंट से आपको मिल सकते हैं, आइस हार्ड से आपको लेवल 3 के सूट्स मिल जाएंगे, और ये हमारा जो वोल्केनो हार्ड है उससे भी लेवल 3 के मिल जाएंगे, पर लावा हार्ड से आपको सिर्फ लेवल 2 और लेवल 1 के मिलेंगे, ठीक है। तो हाई हार्ड और जो हमारा वोल्केनो हार्ड है इसमें चांसेस हो कि 2-स्टार और 3-स्टार दोनों मिल जाएं। और अगर आपको लेवल 4 के जो सूट्स चाहिए तो वो आपको गाइड वार से ही मिलेंगे, गाइड वार फिर से गलती से बोलते हैं गिल्ड वार से ही मिलेंगे गाइस। और गिल्ड वार से आपको लेवल 4 के सारे सूट मिलते हैं सिवा एक के, वो है बूट। तो गाइस, बूट गेम का एक अगर कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला सामान है। तो ये बहुत कम लोगों को मिलता है 4-स्टार सूट, उनके सूट टाइप का अगर मिल जाते वो तो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, और 5-स्टार के तो भाई भगवान मिलने के बराबर है गेम में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सारे 3-स्टार हैं तो उनको 4-स्टार करने के लिए आप फ्यूज़न का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आपका जो फ्यूज़न मीटर है 1K पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, फिर आप सारे जो अपने 4-स्टार सूट को अगर वहाँ पर रख के फ्यूज़ करोगे तो गारंटी है कि आपको 5-स्टार सूट मिलेगा। पर नॉर्मली भी देखा जाता है, कभी कभार ऐसा होता भी है कि 4-स्टार सूट को हम लोग जब फ्यूज़ करते हैं 5-स्टार मिल जाता है, या फिर 3-स्टार को फ्यूज़ करते हैं तो 4-स्टार मिल जाता है। पर एक बात आपको नोटिस करनी है, हमेशा जो फ्यूज़न है सेम स्टार वाले सूट्स के अंदर ही करो, कभी दूसरे जो स्टार सूट के साथ मत करो। फॉर एग्जांपल 2 और 3 को कभी फ्यूज मत करो, नहीं तो आपका स्टार लेवल है जो कम हो जाएगा। तो गाइस, सूट की जब बात आती है तो मैं बता दूँ, हर सूट एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हार्ड सूट देखो तो अटैक एंड डिफेंस टाइप नॉर्मली देखा जाता है, क्योंकि हार्ड जो सूट है उसके कई सारे पोकेमोन स्पीड टाइप नहीं होते, अदर देन अगर आप देख लो LRDX को। तो
और अगर वहाँ पर डार्क सूट देखा जाए तो वो स्पीड एंड अटैक पर कहलाया जाता है, क्योंकि उसके कई सारे पोकेमोन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं। अगर फायर टाइप को अगर देखा जाए तो स्पेशल अटैक एंड स्पीड देखा जाता है, क्योंकि उसके भी कई सारे पोकेमोन स्पीड होते हैं और स्पेशल अटैक उसकी खासियत होती है, क्योंकि चारिज़ार्ड उस सूट में आता है या फिर राइचू आता है या फिर कई सारे डिफरेंट पोकेमोन्स आते हैं, जैसे कि पालकिया एक्स भी आता है। तो गाइस होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस सब्सक्राइब करना चैनल को, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।